हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है 6th of December। आज ओमी को हमने ट्री बना के भेजा है। उसके स्कूल में कुछ थे, मतलब फंक्शन, उसके स्कूल में मतलब सबको आज ट्री बन के आना था, कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग उसके लिए। तो ओमी को भी हमने ट्री बना के भेजा है। उतनी अर्ली मॉर्निंग में प्रॉपरली शूट नहीं कर पाई, बट मैंने कुछ पिक्चर्स ली है और थोड़ा बहुत जो वीडियो लिया है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आज साथ ही में ओमी का जो नवंबर वाला मैजिक क्रेट का बॉक्स था वो अभी दिसंबर में आ रहा है। बहुत बहुत लेट कर दिया उन लोगों ने, बट ठीक है, इट्स ओके। तो वो उसको मैं आजकल एक साथ पूरा बॉक्स नहीं देती, क्योंकि एक साथ बॉक्स दे दूँ ना तो वो सब एक साथ खोल लेता और कुछ भी एक प्रॉपरली इन्जॉय नहीं कर पाता। तो इस बार मैंने क्या करा, उसको बॉक्स दूँगी नहीं, और इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो पूरा मैस कर देता था उसको, तो वो शेयर करने लायक ही नहीं बचता था एक्चुअली। इस बार मैंने क्या करा, उसको दूंगी नहीं, मैं अभी जस्ट आया है तो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और फिर उसमें से सिर्फ एक एक निकाल के पोर्शन, वो एक्चुअली पार्ट्स में आता है अलग अलग एक्टिविटीज़, तो एक एक एक्टिविटीज़ उसको दूंगी ताकि वो उसको इन्जॉय भी कर पाए, वो पूरी प्रॉपर एक्टिविटी भी हो और हम भी देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का बॉक्स होता है जो पूरा ऐसे रैप होकर आता है, और यहाँ पर उनकी थीम लिखी होती है जो इस बार की है लिटिल डिज़ाइनर। ओके, तो ये ऊपर का रैपर मैंने हटा दिया है, अब ये बॉक्स इस तरह से खुलेगा। और तो ये फर्स्ट इसमें ये बताया जाता है कि ये कौन कौन सी मतलब एक्टिविटी उसको क्या सपोर्ट करती है। इस बार आया है कलर मैजिक, स्टैम्प आर्ट। स्टैम्प आर्ट उसको पसंद है, पहले भी दो तीन तरह की अलग अलग आ चुकी है। ओमी का एज ग्रुप 3 वाला है 3 to 4 वाला, तो ये स्टैम्प आर्ट वो पहले भी कवर कर चुकी है, इस बार शायद थोड़ा अलग हो। वर्ल्ड ऑफ शेप्स एंड बास्केट ऑफ कलर्स, तो ये है स्टैम्प आर्ट। मैं भी आपको सिर्फ ऊपरी बता देती हूँ, क्योंकि तो बाद में जब ओमी करेगा, हम एक्टिविटी ओमी के साथ करेंगे तब प्रॉपरली उसको देखेंगे कि उसमें करना क्या क्या है। कलर मैजिक, ये है वर्ल्ड ऑफ शेप्स। इस बार आई थिंक एक्टिविटी ओमी को पसंद आएगी, क्योंकि ओमी को कलर करना बहुत पसंद है। ये है बास्केट ऑफ कलर्स, ब्रश भी आया है और ये कलर्स कैमल के कलर्स हैं। कलर्स बहुत अच्छे, ये लोग इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और आज के मैजिक क्रेट बॉक्स में उसका इतना ही था। एक्चुअली 4 से 5 एक्टिविटी ही आती है हर बार, मैक्सिमम 4 एक्टिविटीज़ आती है, पर अगर कोई छोटी एक्टिविटी आती है तो फिर वो एक एक्स्ट्रा 5 करके देती है। और प्रोडक्ट क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, बट अब मुझे लग रहा है कि इस बॉक्स के बाद हम शायद ऑर्डर ना करें, इसके बाद 2 या 1 और बॉक्स आना बाकी है, उसके बाद फिर हम ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो इन सबसे ऊपर उड़ गए। अब उसको बैठ कर खेलना पसंद नहीं आता है या एक्टिविटीज़ करना उसे, जैसे स्पोर्ट्स टाइप नहीं होता, तो बाहर जब आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है या आउटडोर प्ले होता है ना, वो उसको ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए अब ये लास्ट बॉक्स है, इसके बाद हम ऑर्डर भी नहीं करेंगे। खाने में आज पालक पनीर बनाने की इच्छा हो रही है, तो आज हम पालक पनीर या मटर पनीर दोनों में से देखते हैं क्या बनता है उसके लिए। पर दोनों के लिए पहले पनीर तो बनाना पड़ेगा, तो चलो पनीर बनाते हैं। मैं बताती हूँ आपको बहुत बढ़िया मेथड पनीर बनाने की। पहले दूध अच्छे से गर्म कर लीजिए, दूध जब अच्छे से एक बार बॉईल हो जाए उसके अंदर फिर हमें नींबू डालना है। अब यहाँ मैं टोटली अंदाजे से चल रही हूँ, आप भी लगभग 1 से 1.5 लीटर दूध ये होगा, उसमें मैंने आधा नींबू डाला है। अब वो डिपेंड करता है, आप अगर जैसे पैकेट वाला दूध लाते हैं तो शायद नींबू ज़्यादा भी लगता है उसमें, ये काऊ मिल्क है तो उसमें मुझे आधे नींबू में काम हो गया। गैस की फ्लेम तेज़ कर देना और आप छोड़ के जाना मत नहीं तो ओवन के बाहर आ जाएगा, तो वहीं खड़े रहिए और फटाफट हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जब तक दूध अच्छे से बॉईल होता है, पनीर बनने की प्रोसेस होती है, हम साइड बाय साइड आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक पतीली आप जो भी बोलते हो, उसके ऊपर इस तरह से एक छलनी रख के और उसके अंदर ये रुमाल मैंने रखा है, मैं हमेशा इसी में पनीर बनाती हूँ, तो इसको इस तरह से रख देना है। थोड़ी देर बाद दूध इस तरह से फट जाएगा, मतलब आपको पानी पूरी तरीके से अलग दिखेगा और दूध पनीर का पार्ट जो है वो इस तरह से अलग हो जाएगा।
फिर हमें उसे कपड़े पे डाल के इस तरह से छान लेना है, पानी पूरा नीचे चले जाएगा और पनीर ऊपर इस तरह से सेट हो जाए, रख मतलब रह जाएगा। फिर जब पनीर ऊपर से इस तरह से बचे तो उसको कपड़े को पूरा ऐसे रैप करके ढक देना उसे प्रॉपरली, क्योंकि अब इसके ऊपर हमें थोड़ा वज़न रखना है ताकि वो प्रॉपरली सेट हो जाए। तो यहाँ मैंने एक पत्थर रख दूंगी उसके ऊपर, ये ओमी की घोटी बनाते थे बचपन में, वो पत्थर है। अब आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना। ओमी ने क्या किया स्कूल में? क्या क्या करा था? स्लाइड करा था। और ट्री बन के कौन कौन आया था ओमी? टीचर बन के आई थी ट्री के? फ्रेंड्स ट्री बन के आए थे? फ्रेंड्स बन के आए थे? ओमी भी ट्री बन के आया था? फिर नहीं, चलो ऊपर नहीं चढ़ना है, चलो नीचे चले। चलो बेटा लगाते लगाए। हाँ लगाओ, वैसे ही लगाओ। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, रुको। इसको ऐसे लेके गए, रुको छोड़ दो उसको, ये ऐसे टिक कर दो इसको। करा क्या? आ गया। बड़ा कैसे करते? अच्छा एफ करो, बस एक ही बार हो गया बड़ा। क्या गया? हेलोवीन। बूम क्या आया ऊपर? क्या है ओमी? ये ओमी क्या है? ओ गुमशुदा, कौन है ये ओमी? ये क्या है? मॉन्स्टर है। एक्चुअली ये इसकी हल्दी लग गई है। इस तरह से पूरा, और ये हमारा पनीर रेडी है। हम कट करके देख लेते हैं। आपको उसको जितना थिक बनाना है उस हिसाब से आपको क्वांटिटी में दूध लेना पड़ेगा। और ये हमारा पनीर रेडी है। और ये मेरे नींबू के बीज उसमें रह गए क्योंकि मैंने नींबू छान के नहीं डाला था। आप छान के डाल लेना।